संतोख तरियो ओर आद पुरख पर तख लिखियो अशर मस्तक तोर वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। पतत पावन कृपा निदान भगत वत्सल ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान मुक्ति दाते रूहानियत दे मुजस्मे कलयुग दे बोहित जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे सतगुरां दे महान पावन पवित्र स्थान बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सज बैठी सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु की सुंदर रूप स्वरूप सात संगत जियो आप जी वडभागी हो सतगुरां दे पावन अस्थानां दीआं हाजरियां भरदे होए गुरु के हजूरी कीर्तनियां दी रसना तो अमृतमई बाणी जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने उपरांत बहुत ही सत्कार योग सिंह साहिब जी ने बड़े प्यार विच आके जो सतगुरां ने सानू लड़ीवार पावन उपदेश बख्शिश कीता है इसका मूल रूप दे विच पाठ सरवण करवाया है उसकी विचार कहन सुन लई गुरु पातशाह जी रहमत करन
साडी तुहाडी हाजरी गुरु दरबारे परवान होए। आओ प्यार विच भिज के बुलाओ जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सत रूप सत नाम सत संतोख तरियो ओर। सतगुरु पातशाह जी नदरे अनायत करके कलयुग जीवां दे उधार हित अमृत बाई बाणी सतगुरु पातशाह जी ने उच्चारण कीती। गुरु साहिबाना दी बाणी, गुरसिखां दी बाणी, भट्टां दी बाणी, भगतां दी बाणी, आप जी समें समें अनुसार गुरदेव दे बख्शिश कीते उपदेश नूं सरवण करदे हो। ग्यारह भट्टां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित है। अज दा इह पावन पवित्र वचन जो सतगुरु जी सानूं बख्शिश कर रहे ने, ये मथुरा नामे भट्ट दे उच्चारण कीता होए। एक नकीब हुंदे ने जिहड़े अगे अगे चल के संगतां नूं सुचेत करदे ने कि बादशाह सलामत आ रहे ने, जां कोई सत्कारत हस्ती आउंदी है ते उसदे अगे खलोते हुंदे ने, दर्शा रहे हुंदे ने। भट्ट ने जिहड़े सतगुरां दी हजूरी विच आ के सतगुरु पातशाह जी नूं प्रतख रूप दे विच जान के सतगुरां दी उस्तति करदे ने, सतगुरां दी वडियाई करदे ने। जिवें असीं गुरु हजूर दे विच आ के अरदास करदे ने और बेनती करदे हे, पतत पावन कृपा निदान भगत वत्सल ज्योति स्वरूप सतगुरु जी, गुरु पातशाह जी दी वडियाई विच पावन पवित्र बचन कहिंदा है जगयासू। इसे तरह भट्टा ने सतगुरां दी हजूरी विच गुरु साहिबान जी दे जस दे विच, गुरु साहिब जी दी उस्तति दे विच, गुरु साहिब जी दे सत्कार विच, गुरु जी दे कीते हुए परउपकारां नूं दर्शाउण दे लई इह अपने रसना तो इह पावन पवित्र बचन उच्चारण कीते ने। मथुरा भट्ट सतगुरु पातशाह जी पंचम गुरदेव जी दे चरणां विच बेनती कर रहे ने कि हे पातशाह सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी, सत रूप आप जी सत स्वरूप हो। क्यों सत स्वरूप हो? क्योंकि आप जी ने गुरु दे अकाल पुरख दी बख्शिश द्वारा सत संतोख धरियो और अन्वय करके इस दे अर्थ करांगे कि आप जी ने और हिरदे विच अपने अंतस्कर दे विच हिरदे विच सत ते संतोख नूं धारण कीता होया। आप सत ते संतोख नूं अपने अंदर वसाया होया, क्योंकि सत ते संतोख जिहड़े शब्द ने ना, इन्हां दी बहुत वड्डी महानता है। इसे लिए भाई साहिब भाई गुरदास जी ने बड़े प्यार विच आके पावन पवित्र बचन कहे ने कि सत बिन संजम ना पत बिन पूजा होए, सच बिन सोचना जनेऊ जत हीन है। सतगुरु पातशाह जी दी वडियाई विच कहिंदे ने कि सत तो बिना संजम दी प्राप्ति नहीं हो सकदी, संतोख तो बिना मनुख नूं शांति नहीं प्राप्त हो सकती। इसे लिए विद्वान कहिंदे सम संतोख न आन सुख, तप न खिमा संग जान। किसे जीव दे उत्ते खिमा कर देनी, इहदे वर्गा कोई वड्डा तापी नहीं है। किसे जीव दे उत्ते खिमा कर देनी, उहदे औगणा नूं विसार देना, उहनूं गलवकड़ी विच लै लैना, इह कहिंदे बहुत वड्डी भगती है। सत बिन संजम ना पत बिन पूजा होए, सच बिन सोचना जनेऊ जतहीन है। बिन गुर दीख्या ध्यान, बिन दर्शन ध्यान, भाव बिन भगत ना कथनी पै भीन है।
सच ना संतोख बिन ते संतोख तो बिना सच की प्राप्ति नहीं। सचो उरै सब को उपर सच आचार कहा सतगुरु पातशाह जी ने। आप जी ने सत ते संतोख नो अपने और हिरदे विच धारण किया है, इस करके आप सत स्वरूप हो। सत दा ही रूप है, सत की है। सत ते असत दो शब्द ने। सत ओ हुंदा है जिहड़ा हमेशा रहन वाला होवे, असत ओ है जिहड़ा छिन भंगर होवे, नासवंत होवे। विद्वाना ने ना वेदांत ने पांच प्रकार का भरम कहा गया। भेद भरम कर तत् भरम पुन संग भरम विकार। ब्रह्म अनंत जग सत है, पांचो भरम संसार। ये पांच प्रकार का संसार दे लोकां नूं भरम होया होया है, जिहदे विच विशेष करके कहिंदे ब्रह्म अनंत जग सत है। जिहड़ा ब्रह्म है ना, परमात्मा है, निरंकार है, प्रभु है, वह कहिंदे अनंत है, उन्हों ते असत मनी बैठा है, ते जिहड़ा असत है उन्हों सच मनी बैठा होया है। ये शरीर असत है, परिवार असत है, कारोबार असत है, पर असी इसनों सत मन के हमेशा इहदे विच ही खचित रहिंदे हां। कोई समा परिवार विच बतीत कर लिया, कोई कारोबार विच कर लिया, ते कुछ समा अपने शरीर नू असी सवारन वास्ते शिंगारन वास्ते बतीत कर लैने। इसलिए बाबा फरीद जी ने कहा, फरीद जी कहिंदे ने कि भलिया मानसा जिस जे सिर चुंच सवारे पाग सो सुर से, जे सिर चुन चुन बंध है पाग सो सिर चुंच सवारे काग। जेरे वास्ते तू अनेक समा अपने दस्तार सजाउण ते लाउने, मतलब भी नहीं दस्तार नहीं सजाउणी, सुंदर दस्तार सजाउणी है। ये तो बहुत वड्डी वधिया गल है कि बहुत सारिया संस्थावां जिहड़ियां ने ना वो सुंदर दस्तार के मुकाबले भी करवाउंदियां ने। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी करवाउंदे, दास भी कई बार हाजिर होंदे रहे ने, पर यह नहीं कि असी सारा समा अपने शरीर को संगारन वास्ते ही सारा बतीत कर दईए, यह भी ख्याल रखना है। इसलिए गुरुदेव पातशाह जी कृपा करते ने सानू कलयुगी जीवां नू समझाउंदे ने कि जिहड़ा असत शरीर है इसनों असी सत मन लिया, सच्चा मन लिया, तो जो परमात्मा सच्चा है ना उसनों असी असत झूठा मन लिया। कह देने ना ये जग मिठा अगला किन जिठा, आम ये पंजाबी दी कहावत है। कहिंदे देखी जाओ जिहड़ी होएगी, नहीं भाई, गुरदेव पातशाह ने गुरबाणी विच सानू जन्म तो लैके अखीरले स्वास तक उपदेश बख्शिश कीते ने कि असी सौना कदों वै, खाना कदों वै, पीना कदों वै, जागना कदों वै, सारा सतगुरु ने सानू उपदेश बख्शिश कीता है। पर असी गुरु दे उपदेश नू मनदे नहीं, पढ़ जरूर लैने हां। इसलिए मेरे पातशाह जी बख्शिश करदे ने कि यह संसार असत है, क्योंकि दृष्टमान है सगल मिथेना। यह दृष्टमान कहिंदे जो अखां नाल दिस रहा है, जेड़ी वस्तु अखां नाल दिखाई पैंदी है वह मिथ्या रूप है, वह छिन भंगर है, ते जो दिखाई नहीं देंदा वही सत है। पर दिखाई देंदा है, कहिंदे ने पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्शन देख जीवां गुर तेरा, इहदा मतलब उहदे दर्शन हुंदे ने। भगत रविदास जी ने भी कहा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। चिर हो गया आप जी दे दर्शन देखिआं नूं, दर्शन कीतिआं नूं। प्रतख है कि सतगुरु जी दर्शन बख्शते ने,
क्योंकि सतगुरु जी हुण किसे सरूप दे विच नहीं ते जिथे बैठ के गुरु नूं याद करोगे गुरु प्रत्यक्ष रूप दे विच है। ऐ साहिबे आलम सरबंस दानी पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी जिन्हां दे प्रकाश दिहाड़े दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष करके मनाए जा रहे ने ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी शिव दत्त ने कामना की सतगुरां ने उसे सरूप दे विच जाके उसनू जमुना दे किनारे ते दर्शन दिते ने। सतगुरु जी तां अज भी हाजर नाजर ने क्योंकि गुरु नानक साहब जी निरंकारी जोत दस जामियां विच वरती है। जामे वक्रे वक्रे ने जोत एक ही है। जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। स्वरूप वक्रे ने जोत एक है ते जिहड़ी निरंकारी जोत गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच प्रकाशमान विद्यमान कर दित्ती ते अज भी जोत प्रगट रूप दे विच है। अज भी जोत सानू दर्शन दीदार बख्शिश कर रही है। इसलिए गुरु आए जरूर ने किते गए ने जोत क्योंकि हमेशा रहिंदी है। अज भी साडी भावना बन जाए श्रद्धा बन जाए ते अज भी सतगुरु पातशाह जी साडे ते रहमत करनगे तरस करनगे बशर्ते कि साडी मन में श्रद्धा होवे। असी ते मत्था जरूर टेकदे आ रुमाले भी भेटा कर देने धन भी भेटा कर देने पुष्पांजलि भी कर देने पर गुरु ते कहिंदा सिखा मैनू मन भेटा कर। जे मन भेटा करेगा ना ते तेरे सारे कार्य ही रास हो जाएंगे। मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक के कार्य रास आप गुरु बख्शिश करनगे। इसलिए ये जिहड़ा भरम सानू पिया होया है ना कि ये संसार सच्चा है परमात्मा ब्रह्म झूठा है नहीं ये साडा भरम है। जदों भरम निवृत्त हो जाएगा ना तुसी किसे समुद्र दे किनारे ते खलोते होवोगे किसे सरोवर दे किनारे ते भी खलोते होवोगे। खलोतियां खलोतियां तुसी देखदे हो कि पानी जेड़ा है ना जल जेड़ा है बिल्कुल अचल है अहिल है पर कुछ समय उस पानी विचों कुछ लहरां पैदा हो जांदियां ने प्रतिबिंब पैदा हो जांदे ने वेखण वाले दे मन विच ख्याल पैदा हो जांदा भरम पैदा हो जांदा है कि लहरां दा पानी वखरा है ते सरोवर दा पानी वखरा है समुंदर दा पानी वखरा है। कई वारी ऐसियां उड्डियां वड्डियां वड्डियां लहरां उठदियां ने समुंदर दे विच ते लहर दे विच भी अंतर पै जांदा है उहदे विच भी स्पेस आ जांदी है वखरे वखरे हो जांदे ने। क्यों हो जांदे ने जदों हवा चलदी है तेज हवा दे चलन करके उहदे विच स्पेस आ जांदी लहरां पैदा हुंदियां ने लहरां वखरियां समुंदर वखरा लगदा है। असीं भी ब्रह्म दा स्वरूप हाँ असीं भी सत स्वरूप हाँ असीं भी परमेश्वर दा ही स्वरूप हाँ। ये साहिब कहिंदे कहो कबीर ए राम की अंश ए जीव राम दी अंश है परमात्मा दी अंश है। फिर असी क्यों अपने आप नूं वखरा भासण लग जांदा है सानू भी असी वखरे हाँ परमात्मा वखरा है क्योंकि माया रूपी हवा चल पई जिसने लहरां पैदा कर दित्तियां। क्योंकि माया ममता है बहुरंगी माया अनेक प्रकार दे नाल जीव दे उत्ते प्रभावी हुंदी है असर करदी है ते जदों मनुख माया दे अधीन हो जांदा है फिर इसनूं ऐं लगदा है कि परमात्मा ते रब ते कोई है ही नहीं सब कुछ संसार ही संसार है ये शरीर है परिवार है कारोबार होर तो कुछ है ही नहीं। नहीं ये टिकाओ विच आउणा है एकाग्रता दे विच आउणा है एकाग्रता विच आवांगे हवा खत्म हो जाएगी उही लहरां मुड़ के समुंदर दा रूप बन जाणगियां ते जदों साडे विच माया दा प्रभाव खत्म हो जाएगा ना क्योंकि माया अनर्वचनी है सत असत उभय अवैव निर्वैव आदिक है
ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਵਕਟ ਗਲੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਹਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਸੱਤ ਹੈ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸੱਤ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤ ਹੈ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਥੀਏ ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾਏ ਖੱਤਰੀ ਜਪੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਪੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਪੇ ਵੈਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹ ਪੱਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੁਕਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਦੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘਿਓ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ਸਦੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਜੂਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੇਬਾ ਜੂਠੀ ਕਰਨ ਜੂਠੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਜੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਸੁੱਚੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤ ਹੈ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਆਪ ਸਤਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅਸ਼ਰਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ
आप जी प्रतख रूप दे विच, आप जी निश्चय रूप दे विच, प्रतख रूप दे विच की बख्शिश कीती है। अक्षर लिखियो, अक्षर मस्तक तोर। मैं पहलों बेनती कीती सी कि गुरबाणी जिहड़ी उच्चारण करनी है ना, ये बहुत ध्यान मंगदी है। कई बार असी बेध्यानी दे विच ही पढ़ जाने, इसलिए भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति कही है कि जैसे लग मात्राहीन पढ़त और को और, पिता पूत पूत पिता सम कर जानी है। अखरां दे लग मात्रा तो बिना जब से पढ़ते हैं पाठ गलत हो जाता है, अर्थ दे अनर्थ हो जाते हैं। सिंह साहब जी ने बहुत सुंदर बहुत शुद्ध पाठ आप जी ने सरवण करवाया, अर्थ अपने आप ही हो रहे सन। गुरु पातशाह जी बख्शिश करे, लिखियो अक्षर मस्तक तोर। हे अकाल पुरख, आप जी ने प्रतख रूप दे विच पंचम पिता जी दे मस्तक, उन्हां दे मस्तक दे उत्ते तुरदरगाह तों सुबह तो पहलों तो ही अखर लिख दिते। केड़े अखर? बोहिथा दोहिथा बाणी दा बोहिथा, ये पहलों ही लिख दिते। जिस समय भानी जी ने अर्जन देव जी जड़े छोटे जी अवस्था दे विच ने, रिड़दे रिड़दे पातशाह गुरु अमरदास मां जी दे पलंगे कोल पहुंचे ने, पलंगे दी बाही नूं फड़ के जो उठण लगे ने ना, ते बल वाले सी, पलंगे दी बाही नूं फड़ के हिलाया, पलंगा हिल गया। ऐसा कौन पुरख है भारी, मंजी हिलाई साड़ी सारी। पातशाह गुरु अमरदास जी कहणगे, ऐसा कौन है जिसने साड़ी सारी मंजी हिला दित्ती? ते बीबी भानी जी कहन लगे, पिता जी सुख न दोहिता जे दोहिता। ते पातशाह जी कहिंदे, दोहिता बाणी दा बोहिता। बाणी दे उच्चारण करता होणगे, गुरता गद्दी दे मालिक होणगे। अखर लिखो मस्तक तोर, तुरदरगाह तो अकाल पुरख ने आदि पुरख ने प्रतख रूप दे विच गुरता गद्दी दे बाणी दे उच्चारण करता दे अक्षर जेड़े से ओ आप जी दे मस्तक दे उत्ते तुरदरगाह तो लिख दिते। प्रगट जोत जग मगै तेज भू मंडल छायो। पातशाह जी सामने होके उस्तुति कर रहे ने, जे आपां एक दूसरे दे दर्शन कर रहे, आपां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रतख रूप दे विच दर्शन कर रहे हैं, ते जदों एक दूसरे दे दर्शन हुंदे होण ना, फिर एक दूसरे नाल जिहड़ी वार्तालाप हुंदी आ, उह इउं लगदा वी सामने बोल रहे एक दूसरे नाल। इसलिए कहिंदे ने पातशाह जी, प्रगट जोत जग मगै। आप जी की जिहड़ी जोत है ना, आप जी की निरंजनी जोत, आप जी की ज्ञान रूपी जोत, यह प्रगट है, प्रगट रूप दे विच। इत्थे रारा इस करके पैर विच लाया गया है लगमात्री नेम दे कारण, क्योंकि जितने भी शब्द हुंदे ने ना, वो लगा मात्रा दे अनुसार हुंदे ने। लगा मात्रा दो प्रकार दी हुंदी, एक लघु एक दीर्घ। इसलिए सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दी उस दे विच कहिंदे ने, आप जी दी जिहड़ी निरंजनी जोत है, अखंड जोत है, सारे संसार दे उत्ते जगमग 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 कर रही है। जगमग जोत निरंजनी, निरंजनी जोत जिहड़ी निरंकारी जोत है, क्योंकि जिहड़ी निरंकारी जोत आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। निरंकारी जोत जिहड़ी गुरु नानक साहब जी विच सी, उह जोत हुण पंजवें जामे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी दे विच है, ते पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी जग मगै।
जगत दे उत्ते जगमग जगमग कर रही है। जगमग जोत निरंजनी, निरंजनी जोत प्रकाश रूप दे विच है, क्योंकि तेज भूमंडल छायो। आप जी का जिहड़ा तेज है ना, आप जी का जस है, आप जी का प्रताप है, आप जी की वड्याई है, उस्तति है, वो भूमंडल है, सारे संसार ते छा रहा है। ये नहीं कि निरंजनी जोत का प्रकाश केवल पंजाब दे विच है, ये केवल विदेश दे विच, अमेरिका दे विच है, कनेडा दे विच है, हिंदुस्तान दे विच है, नहीं, ये सुचे संसार दे विच, नौ खंडा विच, ब्रह्मंडा विच, जितना भी सारा आलम संसार है ना, सारे विच परमात्मा दी जिहड़ी जोत है वह छाई हुई है, प्रतख रूप दे विच वर्त रही है, सारे संसार दे उत्ते उस मालिक दा जोत है। जिवें आकाश अखंड है ना, इसे तरह मालिक दी जोत भी अखंड है। आकाश इत्थे भी है, हजारां मीलां ते चले जाओ उत्थे भी है। इसे प्रकार परमात्मा दी जिहड़ी जोत है ना, उन्हां दा तेज भूमंडल, तेज प्रतख रूप दे विच, तेज प्रताप उन्हां दा सारे मंडल ते छाया होया है। इसलिए सब भाई साहब कहिंदे ने, बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोवा। धन धन गुरु नानक पातशाह जी, नौ खंड पृथ्वी जिथे तक आही, जिथे तक भी नौ खंडा की धरती है ना, आ जिथे असी रहने भरथ खंड कहा गया। भरथ तो हौली हौली ये भारत बन गया। इलावर्त खंड है, हरवर्ख खंड है, भद्र खंड है, सरम खंड है, ये नौ खंड ने, वक्रे वक्रे नाम ने। हे मेरे मालिक, आप जी का जिहड़ा तेज प्रताप है, वह नौ खंडा ब्रह्मंडा सारी धरती ते छाया होया। पारस परस 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 गुर गुरु कहायो। हे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी तो बख्शिश की भरोसाए, पंचम गुरदेव जी, पंचम गुरदेव पातशाह जी, पारस परस परस परस, हे सतगुरु पंचम पातशाह जी, आप जी परस करके, परस परसन योग गुरु नू परस के उहदा स्वरूप हो गए। कंचन में अर पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस दे विच ए फर्क है, पारस जेड़ा है ना, किसे धात नू शो जाए ते सोना बना देंदा है, पर गुरु जिसनु शो जाए, जड़ा गुरु नाल शो जाए, वह गुरु ही बना देंदा है। संतन में अर पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। परसन योग पातशाह गुरु रामदास महाराज जी उन्होंने आप जी परस के शो के, क्योंकि गुरु पंचम पिता जी गुरु रामदास पातशाह जी दे छोटे साहबजादे सपुत्र ने, पृथ्वी चंड वड्डे ने, उस तो छोटे महादेव ने, ते सतगुरु जी पंचम पातशाह छोटे ने, पर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने गुरु का बचन कमाया है। बचन गुरु जो पूरे कहे मैं शीक गांठली बांधा, बचन जो गुरु ने कह दिता है वह अपने बिरती रूपी पल्ले विच मन लिया। महादेव ने बचन नहीं मनिया, पृथ्वी चंद ने बचन नहीं मनिया, मैं इस पासे ना जावां। ते सतगुरु पंचम पातशाह जी जानी जान ने जे लाहौर जाण वास्ते हुक्म कीता है ते कोई हील हुज्जत नहीं, उसे वेले जाण वास्ते तैयार हो गए ने।
जे कहा कि बिना बुलाया तो नहीं आना, अपनी वेदना रूपी चिट्ठिया ते जरूर भेजिया ने, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातर की न्याई, त्रिखन उतरे शांत न आवे बिन दर्शन, संत प्यारे जियो हों कोली, जियो कोल कमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। पर जिन्ना चिर पंचम पातशाह गुरु रामदास जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं भेजिया नहीं लैण वास्ते, उन्ना चिर आए नहीं हन। आए तो गुरता गद्दी दे अधिकारी समझ के पातशाह ने गुरता गद्दी बख्शिश कर दी। इसलिए सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी, पंचम गुरदेव महाराज सच्चे पातशाह जी परस के गुरु रामदास जी नू परसन जोग जो सतगुरु जी ने, क्योंकि गुरु रामदास जी ने जिन्होंने भी गुरु रामदास जी के चरणों ते नमस्कार कीतियां, जिन्होंने भी जब गुरु नानक जी के नाम नू लिया, क्योंकि अज भी प्रतख रूप दे विच ने, गुरु नानक जन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परियारी, उमड़ के माता दे गर्भ विच ही नहीं आए हन। इसलिए पातशाह जी कहिंदे ने गोरे गुरु कहायो, गुरु नू परस के, इत्थे रारे दे सहारी है, गुरु नू परस के, जो गुरु परसन योग गुरु रामदास जी सी उन्हां नू परस के आप गुरु कहाया सतगुरु पातशाह जी ने, गुरु रामदास जी तो बाद आप गुरु कहाया, क्योंकि सतगुरु जी परख दे विच पूरे उतरे ने, इस करके सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने निरंकारी जोत उन्हां दे विच प्रकाशमान कर दित्ती, क्योंकि परसन करके ना उन्हां दा स्वरूप बन गए ने। गुरु अनेक प्रकार दे, कहिंदे एक दीपक गुरु है, एक दीपक तो दूसरा दीपक जला दिओ, हजारां जला दिओ, सारे जलणगे। इसे तरह पंचम पातशाह जी गुरु रामदास जी नूं परसन करके आप गुरु कहायो, आप अपने आप नूं फिर गुरु कहाया। संगतां ने प्रतख रूप दे विच मन्निया है, भन मथुरा पूरत सदा थिर, लाए चित सन मुख रहो। इस करके बख्शिश करदे ने भन मथुरा, मथुरा भट्ट का नाम है, कहिंदे हे मथुरा कह भन तो नाम उचारण कर, कहना कर की कहना है, मूर्त सदा थिर। पंचम पातशाह जी की मूर्ति जो हस्ती है, स्वरूप है, सिख ने मूर्ति का पुजारी नहीं बनना है, ठीक है सत्कार योग ने, वो मुसवरा ने, चित्रकारा ने अपने अपने ख्यालात दे अनुसार अनेक गुरु साहबाना दे चित्र बना दिते ने, ते पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी इन्हां दा चित्र भी गुरु की हयाती विच बनिया। जब आप सतगुरु जी सन उस समय एक मुसवर ने बेनती करके, जो सतगुरु जी घोड़े ते असवार होके संगतां नाल बाहर जंगल नूं चले ने शिकार वास्ते, कहिंदे उदों उसने बेनती करके सतगुरां दा चित्र बनाउण दी आग्या लै ली। वो चित्र अज भी सुर सिंह दे विच दल पंथ विधि चंद सत्कारयोग संत बाबा अवतार सिंह जी जो मौजूदा मुखी ने उत्थे अस्थान दे उत्ते है। मूर्त, मूर्त तो भाव हस्ती, उन्हां दा स्वरूप, सिख ने मूर्ति दे अगे कोई पूजा डंडौत वंदना नहीं करनी, सत्कार जरूर रखना है। इसलिए पातशाह जी कहिंदे भन मथुरा मूर्त सदा थिर, लाए चित सनमुख रहो। ए पाठ मथुरा कहे उचारण कर, की उचारण करना, जो गुरु की मूर्त गुरु का स्वरूप है ना, स्वरूप केड़ा है, भाई साहब कहिंदे गुर मूर्त गुर शब्द है, साध संगत विच प्रगट आया, गुरु की मूर्त गुरु का शब्द है, गुरु का उपदेश है,
ते साध संगत दे विच प्रगट हुंदा है। साध संगत आसन रंकारे, भाई साहब जी कहिंदे ने कि जे साध संगत विच आप जी सज बैठे हो ना, इह निरंकार दा आसन है, इह निरंकार दा आसन है। इसलिए पातशाह जी गुरु राम गुरु नानक पिता जी ने जिस समय गुरता गद्दी गुरु अंगद साहब जी नूं बख्शिश कर दित्ती ना, संगतां नूं हुक्म कीता कि अज तों निरंकारी जोत गुरु अंगद साहब जी दे विच है ते इन्हां दे चरणां ते मत्था टेकणा, इन्हां नूं मनणा है। ते सिखां ने पुछ लिया, महाराज जे किते सबब नाल सतगुरां दे दीदार ना होण फिर की करिए? ते पातशाह ने जिहड़े बचन कहे सी ना, बाबा मड़ी ना गोर बसे अंगद के हियो मैं, साध संगत मैं निस दिन बसबो मैं करूं। कहिंदा बाबा किसे गोर मड़ियां कबरां दे विच नहीं है, अंगद दे हिरदे विच वसदा है। ते जे उथे आप ना जा सको, साध संगत निस दिन बसबो मैं करूं। ए जिहड़ी साध संगत है ना, इहदे विच तां मैं दिन ते रात वसदा हां। निज कर मेरो साध संगत नारद मुन, साध संगत मेरो निज रूप है। भगवान ने कहा सी नारद मुन नूं, भाई साहब जी ने अंकित किया है, कहा नारद मुनि मैं संगत दे विच वसदा हां, हमेशा संगत दे विच रहिंदा हां। ते पातशाह जी बख्शिश करदे ने उस निरंकार की होंद हस्ती जिहड़ी आ, स्वरूप उसका जिहड़ा है, शब्द रूप है, सदा थिर लाए चित, ते हमेशा ही अपने हिरदे विच उसनू थिर करना है, टिकाउना है। गुरु का शब्द गुरु का उपदेश अपने हिरदे विच टिकाउण दा जतन करना है, क्योंकि जिन्ना चिर असीं टिकाउंदे नहीं हन उन्ना चिर आनंद नहीं बनेगा। कहण नाल ते सुनन नाल कोई गल नहीं बननी। आंखे मीचे गाए सुने पाईआ ना परम पद, गुर उपदेश गह है जौ लौ ना कमाईआ। अखां मीट के गा लैना सुन लैना परम पदवी नहीं प्राप्त होवेगी। अखां मीट के कोई गाई जाए कोई सुनी जाए, बिरती एकाग्रता विच करनी है, चित नूं टिकाउणा है। पर इहदे नाल कहिंदे ने जे केवल असीं केवल सुनिया ते मन्निया ही मन्निया नहीं, परम पदवी की प्राप्ति नहीं होवेगी, फिर किवें होवेगी? गुर उपदेश, गुरु का उपदेश, गुरु का सुनेहा, गुरु का सुनेहा जौलो ना कमाई है। जिन्ना चिर कमावांगे नहीं, जिन्ना चिर उपदेश नूं मन्नांगे नहीं, क्योंकि क्या गुर कहे करें हम क्या। गुरु साहब जी सानू की कहिंदे ने, असी की करदे आ, विचार करनी है। विचार करके फिर की करना, गुर कहिआ साकार कमावो, जो गुरु ने कहा वह कमाई करनी है। इसलिए गुरु का शब्द गुरु का उपदेश मूर्त गुरमूर्त गुर शब्द है। अपने हिरदे विच गुरु का उपदेश कमाउणा, गुरु का शब्द कमाउणा है, चित नूं थिर करना, टिकाओ दे विच रखना है। जिवें पारा हिलदा है ना, साडा मन भी इसे तरह डोलदा रहिंदा है। मन नूं अनेक प्रकार दीआं उदाहरणां दित्तीआं ने, खोते की तशबीह दित्ती है, बांदर की तशबीह दित्ती है, और दीवे की लाट की तशबीह दित्ती है, पिपल के पत्ते की तशबीह दित्ती है, चल दल पत्र पताक पट दामन कछ पमाथ, धूप दीप सिखा त्यों मन बिरत अनाथ। जिवें ये कदे टिकदे नहीं, उस तरह साडा मन भी टिकदा नहीं है। भावें असीं गुरु के हजूरी बैठे हैं ते फिर भी मन विचों फुरने निकली जांदे ने। साहब कहिंदे भलिया
अपने मन नूं थिर कर, टिकाओ दे विच कर, एकाग्रता दे विच कर मन, ते सनमुख उस दे गुरु अपना चित टिकाउणा कर। सनमुख रहो गुरु दे, हमेशा सनमुख रहो। एक गुरमुख है, एक मनमुख है। गुरमुख ओ है जो गुरु दे सनमुख रहिंदा है, अपना मुख हमेशा गुरु दे वल रखदा है, अपने मन दे अनुसार ही नहीं चलदा है। ते मनमुख ओ है जो मन दे अनुसार ही चलदा है, जो मन दी प्रेरणा दे अनुसार चलदा है। इसलिए गुरुदेव पातशाह जी कहिंदे ने कि गुरमुख दी बिरती नूं धारण करना है, एकाग्रता दे विच होना है, क्योंकि सनमुख रहो गुरु दे सनमुख हमेशा। ते की असी हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सामने बैठे ही रहना है? नहीं, गुरु दे उपदेश नूं अपने मन विच वसाउणा है। फिर तुसी दुकान ते बैठे हो तां वी सनमुख हो, घर विच बैठे हो तां वी सनमुख हो, किरत करदे हो तां वी सनमुख हो, क्योंकि तुहाडा मन गुरु दे अनुसार ही बन गया। तुहाडा मन गुरु नूं हमेशा साक्षात समझदा है। जिवें पायलट हुंदे ने ना, उह पायलट जदों जहाज नूं चलाउंदे ने गल्लां वी करदे रहिंदे ने, हो सकदा कोई इक दूसरे दे नाल कोई हासा मखौल वी करदे होण, पर उस जहाज विच कंपास दी सूई लगी हुंदी है। उस कंपास की सूई हमेशा उहदे ध्यान विच रहिंदी है, हमेशा उस सूई नूं ध्यान विच रखदे ते मंजिल ते पहुंच जांदे ने। गुरु भगत जी ने बड़ियां सुंदर उदाहरणां दित्तियां ने, कहिंदे पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सुबशरा राखरी आले। गऊ है ना जिहड़ी, उह बाहर पंजां कोहां ते जाके भी चरदी है, पर अपना चित अपने वच्छे दे विच बछड़े दे विच रखदी है। कूंजां जिहड़ियां ने हजारां मीलां चल के आ जांदियां ने, अपना ध्यान बच्चे दे विच रखदियां ने। इसलिए कुम्मी जल मैं तन तिस बाहर पंख कीरतै नाहीं। कुछ कुम्मी जिहड़ी है ना, वह पानी विच रहिंदी है, आंडे उसके बाहर हुंदे बरेती दे विच, पानी विच रहिंदी होई भी अपने अंडियां नूं ध्यान विच रखदी है, ते उहदे ध्यान विच इतनी शक्ति है कि आंडे जिहड़े पक जांदे ने बच्चे बन के निकल जांदे ने। इसे तरां सिखा तेरा ध्यान जुड़ना चाहीदा। जे तू किरत करदा है ना, ध्यान तेरा तां वी सिमरन दे विच होवे, गुरु वल्ले होवे। परिवार विच बैठा ध्यान तेरा तां वी जुड़िया होना चाहीदा है, ते किते वी तुरिया जांदा ध्यान गुरु दे सनमुख होवे। ते जदों ध्यान गुरु नाल जुड़ गया ना, ते फिर कुछ भी तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। बाबा बिधी चंद जी पाठ विच बैठ गए, ध्यान गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणां नाल जुड़िया होया, अग बल रही है, पाठ दे विच अग बलदी है, ध्यान गुरु चरणां दे विच है। ते फिर गुरु कैसा बख्शंद है, लगन देत ना सेक, सेक नहीं लगन दिंदा अपने सेवक नूं। भाव के जदों साडा ध्यान गुरु शब्द विच जुड़ गया, असी गुरु दे सनमुख हो गए, फिर किसे प्रकार दी आदि व्याधि उपाधि सानूं पो नहीं सकेगी, किसी प्रकार का रोग सानू लग नहीं सकेगा। इसलिए गुरुदेव पातशाह जी बख्शिश करते ने कि हे पत्थर मथरा, उस गुरु के उपदेश नू, गुरु की हस्ती नू अपने अंदर टिका के रख, मन नू टिकाओ दे विच रख, तेरा चित हमेशा गुरु के सन्मुख जुड़िया रहे। कल युग जहाज अरजन गुरु, सगल श्रेष्ट लग बेहतर। मथुरा जी कहंदे ने कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु सतगुरु गुरु अर्जन देव जी, तुसी कलयुग दे जहाज हो, कलयुग दे जहाज हो। होर भी अनेक शब्द सतगुरु पातशाह जी ने
ऐसे सानू बख्शिश कीते ने कि कल समुद्र पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण। कलयुग दे विच भवजल संसार तो पार होण दे लई परमात्मा दे नाम रूपी गुरु अर्जन देव जी ने ते होर भी अनेक ऐसियां पंक्तियां आउंदियां ने, चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया, जे प्रसाद ए भवजल तरिया जन नानक प्रह संग मिरिया। गुरु पातशाह जी कहिंदे ने कि चरण पखार करो गुर सेवा, मैं गुरु दे चरण धो के गुरु की सेवा करा, गुरु दे उपदेश नूं कमावां, गुरु दे उपदेश नूं मन्ना, लखां वारी गुरु तो कुर्बान जावां। क्यों भाई, किस लई? क्योंकि जे प्रसाद ए भवजल तरिया, जिहदी कृपा नाल जिहदी बख्शिश दे नाल इह जिहड़ा भवजल संसार इस तों तरिया पार तरिया हां। इसलिए गुरु पातशाह कहिंदे ने कि कलयुग विच सतगुरु पातशाह जी जहाज रूप ने संसार नूं समुंदर दी तशबीह दित्ती गई है। जिवें समुंदर है ना, ते समुंदर तो पार होना बहुत कठिन है। कोई तैर के समुंदर पार नहीं लगा सकदा, कोई तुलहा कोई बेड़ा कोई जहाज लैना पैंदा है, तां ही समुंदर तो पार होया जा सकदा है। विचार सागर दे विच समुंदर दी तशबीह दित्ती है, कहिंदे इहदे विच पदार्थां रूपी पाणी भरिया होया, आसा ते त्रिशना दीआं लहरां ने इहदे विच, विकारां रूपी जल जंतु ने इहदे विच, ते तरियो भव सागर मैं अब भारा। कहिंदे गुरु दी किरपा नाल इह संसार समुंदर मैं जो बहुत भयानक सी इह तों तर गया हां, पार किनारे लग गया हां। इसलिए पातशाह जी बख्शिश करते ने, पन मथुरा हे मथुरा कहो कि गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी कलयुग के जहाज ने। ते कई बार तुसीं पुरातन जदों अरदास तो बाद जोरा पढ़ते हो ना, उहदे विच भी पढ़ते हो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। कहिंदे वाहिगुरु परमात्मा दा नाम जहाज है, ते वाहिगुरु दा स्वरूप ने गुरु अर्जन देव जी, क्योंकि सत रूप। निरंकार दा स्वरूप ने गुरु अर्जन देव महाराज जी, इसलिए कहिंदे ने पातशाह जी गुरु अर्जन देव महाराज जी कलयुग दे विच जहाज रूप ने। सागल सृष्ट ए सागली सृष्टि दे लोको, हे संसार दे लोको लग बेहतर हो। बड़ा सुंदर पाठ कीता, मैं फिर बेनती कर, लगभ पाठ कोई भी नहीं है, लग बेहतर हो। बे शब्द जेड़ा ना बब्बे दे सहारी, ए अपसर्ग है, ए तो भावे विशेष करके तरो, तर जाओगे। तारनहार गुरु है, गुरतार तारण हारिया, इसलिए विशेष करके संसार दे लोको गुरु अर्जन देव महाराज जी जहाज रूप ने उन्हां दे शब्द नाल जुड़ के संसार तो तर जाओगे। शब्द नाल जुड़ना है, किसे स्वरूप नाल किसे मूर्त नाल नहीं जुड़ना। जदों शब्द नाल जुड़ांगे ते गुरु नाल मिलाप हो जाएगा। गुरु पातशाह ने अपार बख्शिश की, भट मथुरा जी ने जो सतगुरां दे वडियाई विच उस्तति विच उपदेश कहे ने, कमाउण दा जतन करिए। गुरु पातशाह जी रहमत करन, कोटान कोट धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा, ज्ञानी जी नाल पाठ करवाया, सिंह साहिब जी ने बड़े प्यार विच पाठ सरवण करवाया, समुची संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद। होइयां भुल्लां ना चितार दिवे बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।